गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडन काज जी। आज का टॉपिक है कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्यारी सत्संग जी, ये जीवन है और हम सभी जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं, जीवन के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सफर जारी रहता है, चलता रहता है। और हम सब के जीवन में बहुत सारे अनुभव भी हमें मिलते हैं, तो हम सब ने अपने जीवन के अनुभव से भी देखा है, सीखा है, समझा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दास अपने जीवन से, अपने अनुभव से ये जो आज का टॉपिक है इसके बारे में बात कर रहा है कि इंसान अच्छा खासा इंसान है, चल रहा है, फिर रहा है, खाते पीते, और अचानक वो शरीर छोड़ देता है। ये दास ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी हम क्षेत्र में लें, जीवन में हम देखें, पूरी दुनिया में देखें, तो जो इंसान कभी सोचता नहीं है वो भी हो जाता है। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, लेकिन जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर दास ने जो सोचा, समझा, महसूस किया, तो एक बात समझ में आई कि पूरी सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड का जो रिमोट कंट्रोल है, ये निरंकार के हाथ में है। जैसे एक कठपुतली का खेल होता है ना, तो कठपुतली को नचाने वाला तो कोई और होता है, हम तो कठपुतली को नाचते हुए ही देखते हैं। तो इसी प्रकार हम सभी कठपुतली हैं और हमें नचाने वाला है ये निरंकार। हम सब के रिमोट कंट्रोल निरंकार के हाथ में है। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, निरंकार जैसा चाहता है वैसा होता है। हमने देखा है, देखते भी हैं कि अच्छा खासा इंसान, हट्टा कट्टा इंसान अचानक बीमार पड़ जाता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि कोई एक रंग पल भर में राजा बन जाता है। हम सब ने देखा है, सुना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निरंकार है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, जो जो तू चाहता है सो सो होता है। तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सिया राम जोसित की नाही, सबय नचावत राम गोसाई। आपन सोचा होय नहीं, प्रभु सोचा तत्काल। वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, जो इस रब को खुदा को मंजूर है वही होता है। तो हमने विश्वास रखना है परमपिता परमात्मा पे। अगर जीवन में हमें असफलताएं भी मिल रही हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं और बार 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 हमें असफलता मिल रही है, तो हमने अपने सब्र को नहीं खोना है। सब्र और सहनशीलता को कायम रखना है और मन में अटल विश्वास रखना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिर असफलताएं जो मिल रही हैं जीवन में, ये निराशाएं मिल रही हैं, हम हताश हैं, उदास हैं, नर्वस हैं, तो कब तक रहेंगे? रात कितनी भी काली हो, सवेरे सूरज निकलता ही है।
सूरज निकलेगा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये छह चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। तो हमने पूरा विश्वास रखना है परमपिता परमात्मा पे और हर हाल में एक रस रहना है, कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, शुक्राना और मुस्कुराना, इसी अटल विश्वास के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दाता कृपा करे हम सभी का विश्वास अटल हो, विश्वास निरंतर हमारा बढ़ता रहे, ये विश्वास कायम रहे परमपिता परमात्मा पे कि तेरा जो किया तू चाहता है, जो तू करता है तो उसको हम स्वीकार कर पाए। तीन लोक नौखंड में गुरु से उड़ाना कोई, करता करे ना कष्ट के गुरु करे सो होई। हम इस बात को बिल्कुल मान ले, दिल से मान ले, दिमाग से तो भक्ति होती नहीं है, हमने दिल से इस बात को मानना है क्योंकि दिमाग तो चाणाक्य चतुराई ही करता है और दिमाग वालों से भक्ति होती नहीं है, भक्ति तो करते हैं दिल वाले। तो हमारे दिल में एक अटूट विश्वास आ जाए कि मेरे मालिक तू जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, जो इस जीवन में घट रहा है वो सिर्फ तेरी मर्जी से हो रहा है, तू करता है जगत का, तू सब पर आधार, करण करावन आपे आप मानुष के कछु नाही हाथ, कि तू कुछ भी कर सकता है। हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, अनंत ब्रह्मांड का निर्माता निर्देशक है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तू कुछ भी कर सकता है। परिसा संगत जी, तो भक्त का विश्वास अटूट होता है, भक्त और भगवान का जो बंधन है अटूट बंधन है, प्रेम का बंधन है। भक्त हमेशा भगवान के भरोसे रहते हैं, भक्त कभी नर्वस नहीं होते, निराश हताश नहीं होते, भक्तों के मुखमंडल पे हमेशा मुस्कुराना और शुक्राने का भाव रहता है, सब्र सहनशीलता होती है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र किए जा बंदे तू, आश्रय पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू, अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा जिक्र तो इसका करता जा। निरंकार ने रखा है जैसे वैसे रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा होगा ऐसा मन में भाव बना। तो पहले सत्संग जी, जब ये एतबार निरंकार पे सदगुरु पे टिक जाता है, पूर्ण सदगुरु पर जब तेरा एतबार टिक जाता है, कहे हरदेव भय चिंता से दुर्व मुक्ति पाता है। जब ये एतबार निराकार पर हो जाता है तो फिर हम भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं कि ये दातार है, यही सब कुछ कर रहा है। तो जीवन में जो हो रहा है इसकी मर्जी से हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, निरंकार सबसे बड़ा है। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए निरंकार जी।